हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट की। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। देखिए, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टिपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या फिर विदनूर की संधि, बताइए। आंसर आएगा यहाँ पे बी, जो कि है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इन्होंने ये वाली संधि की थी अंग्रेजों के साथ मिलके, जिससे कि तीसरे आंगल मैसूर युद्ध में जीता जा सके। नेक्स्ट है मैंगूल मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यू का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, संगमरमर पर की गई चित्रकारी, उद्यान निर्माण की कला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुगल स्थापत्य काल की बात करें तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से आकृति उकेड़ी जाती थी, जिसको पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? ये गुजरात के प्रमुख संत थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होता है? अवसादी, अरूपांतरित, ज्वालामुखी या फिर आग्नेय? देखिए बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान इसमें सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जागीरदारी संकट सर्वोत्तम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए सी होगा, औरंगजेब के शासनकाल में ये संकट उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है निम्न साहित्यकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब्बास खान सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार या फिर मीर अलाउद्दौला गजविनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है बदायूनी। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1956, 65, 60 या फिर 1670 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 1565 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है मैगस्थनीस की पुस्तक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। ये पुस्तक बहुत फेमस है, ज्यादा से ज्यादा बार में पूछी गई है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? अर्थशास्त्र भी बहुत पूछी जाती है। देखिए मैगस्थनीस की बुक का नाम है इंडिका और अर्थशास्त्र बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन क्रिया किया जाता है? हाइड्रा, एस्कारिस, केचुआ या फिर रेशम कीट? सी राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ। नेक्स्ट है ब्लबर क्या होता है? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूध या श्राव, संग वसा की परत, किन्हीं एक्वाटिक पौधे द्वारा कीट की फंसाने की युक्ति या फिर चावल के पौधों का फंगल संक्रमण?
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संग वसाखी परत, जिसको ब्लब्बर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नसरुद्दीन खुसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, समस्त पुराण से, भगवद गीता से या फिर मुखोपनिषद से। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है सत्यमेव जयते का। ये समझिए, ये क्वेश्चन आपके में आएगा ही आएगा, क्योंकि 3-4 साल से लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है डी, जो कि है मूर्खोपनिषद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या फिर जातीयता। राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है हमारा समाजवाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक सेवा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। देखिए ये तीनों समिति संसद की समिति हैं, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये इसकी समिति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली या फिर चीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, जो कि है चीन। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुंडलुन, कराकुरम या फिर हिंदू कुश। देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर हाथियों के लिए। डी राइट आंसर हो जाएगा, हाथियों के लिए। नेक्स्ट है, रिगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं, रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या फिर माधव विद्यारण्य द्वारा। इसका आंसर है सी, ये सब आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठ हैं। नेक्स्ट है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? कोड्रॉन, न्यूट्रॉन, इंट्रॉन या फिर एक्सॉन। देखिए राइट आंसर होगा डी, एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील आपको विटामिन बताने, इसमें से कौन कौन से हैं? देखिए कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये सब कैसे हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशमी कीट के अंडों से, रेशमी कीट के प्यूपा से, रेशमी कीट के लार्वा से या फिर स्वयं कीट से। देखिए रेशम का उत्पादन की बात करें तो ये रेशमी कीट का जो लावा होता है उससे इसका उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए
कितने वर्षों निर्वाचित होते हैं, यानी कि कितने वर्ष के सदस्य इसमें बनते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए, कार्यकाल उनका बताना है आपको। देखिए इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 5 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर शाहजहां। ये राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। सी राइट आंसर है चंद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 124 में, 137 में, 143 में या फिर अनुच्छेद 148 में। राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143 में, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपके सारे आंसर सही गए होंगे। बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।